सम्यक बौद्ध विहार नगला बिहारो गरीब नगर लंगड़े की चौकी आगरा पर बौद्ध प्रतिमा को लेकर डॉक्टर अंबेडकर सेवा समिति और समिति के सदस्य रहे राम प्रकाश के बीच विवाद की स्थिति बनी हुई है। 2012 से सम्यक बौद्ध विहार की देखभाल कर रहे निर्विरोध अध्यक्ष मुकेश बौद्ध का कहना है कि भगवान बुद्ध के मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए समाज की सहमति से भगवान बुद्ध की प्रतिमा को सम्मानजनक स्थान पर स्थापित किया जा रहा है। सम्यक बौद्ध विहार के क्षीण उद्धार के लिए समिति प्रयासरत है। मुकेश बौद्ध का आरोप है कि पूर्व पुलिस इंस्पेक्टर रहे राम प्रकाश अपने निजी स्वार्थ को साधने के लिए सम्यक बौद्ध विहार के सौंदर्यीकरण में व्यवधान डाल रहे हैं। 7 या 8 हजार की भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित कर प्रतिमा के नीचे बीजक लगाने के बहाने कई दर्जन समाज के लोगों से हजारों रुपए का चंदा एकत्रित कर गबन कर दिया। समिति में 1 रुपया जमा नहीं किया गया। पुलिस से झूठी शिकायत कर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन और बुद्ध विहार के विकास में बाधा पैदा करने का काम कर रहे हैं। जो भी कार्य हो रहा है वह समाज की सर्वसहमति से हो रहा है। समिति का नाम सम्यक बौद्ध विहार ट्रस्ट। क्या समस्या है इस मूर्ति को लेकर? भगवान बुद्ध को लेकर यह समस्या है कि राम प्रसाद बौद्ध ने सीनियर लोगों से आगरा के लोगों से 38 लोगों से ये पैसा लेके आए थे और वो पैसा ये खा चुके हैं और इन्हें रात को 12:55 के अंदर जब पूरी बस्ती सोई हुई थी राम प्रसाद बौद्ध ने और राजेंद्र सिंह बौद्ध ने इन्हें रात को बीजों चुपचाप चोरी से लगा दिया। जब सुबह सिलेंसर हुआ और आगरा के सभी क्षेत्रीय लोग आए तो उन लोगों ने जब स्टेप उठ के देखा तो वहाँ पर लिखे थे राम प्रसाद की माँ पिता की स्थितियों में हमने मूर्ति को समर्पण किया। क्या बुराई है इसमें? इसमें बुराई ये है कि राम प्रसाद जी ने 1 रुपया अपना कभी लगाया नहीं और 1 रुपया दिया नहीं और पूरे आगरा के अंदर ये प्रचार करते हैं कि सम्यक बौद्ध विहार मैंने बनवाया है और वो पूरे आगरा के चंदा को खा चुके हैं। समाज और आप क्या चाहते हो? समाज और हम ये चाहते हैं कि यहाँ के जो समाज के अतिथि लोग हैं हमारे पूरे गरीब नगर और नगला बिहारी के वो ये चाहते हैं कि हमारे तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति एक ऐसे हॉल में होनी चाहिए जिसका मान और सम्मान से उनकी पूजा प्रार्थना होनी चाहिए। हम खुले में मूर्ति को नहीं लग सकते। यहाँ पर दारू पीती हो और जूते चप्पल रखते हो और सब्जी के दोना और जूते गिरा सकते हो, हम अपने भगवान की मूर्ति को उस जगह पर नहीं लग सकते। राम प्रसाद चाहे इसका कितना भी विरोध करें। सम्यक बौद्ध विहार गरीब नगर पर उपस्थित समाज के अन्य लोगों का भी यही कहना है कि राम प्रकाश जी की शिकायत निराधार है। अध्यक्ष मुकेश बौद्ध समाज की सर्वसहमति से बुद्ध विहार में विकास कार्य करा रहे हैं। भगवान बुद्ध की प्रतिमा को खंडित करने की शिकायत सरासर गलत है। बुद्ध प्रतिमा को सम्मानजनक और सही जगह स्थापित किया जा रहा है। हरेश कुमार, कहाँ के निवासी हो? नहीं निवासी हूँ। कौन सी जगह है ये? मतलब इसी बाहरी नगला घर में। ये जो अम्बेडकर बगीची है इसमें बुद्ध प्रतिमा को लेकर क्या विवाद है? कोई विवाद नहीं है। वो हमारे मुकेश बाबू जी ने जो किया है अच्छा किया है। इसका कारण ये आपको बताऊं मैं कि यहाँ पे ब्याह शादी होते थे तो ये बुद्ध प्रतिमा रखी हुई थी। यहाँ पर लोग दारू पीते थे, छोटे दोने भी रख देते थे, गिलास भी रख देते थे, गंदे हाथ भी लगते थे लोगों के। तो उन्होंने किसी अपने गौतम बुद्ध भगवान जी के सोचा कि चलो ये अच्छी जगह है, उन्होंने हॉल में लगवा दिया, प्रतिमा हॉल में लगवा दी, अच्छी डेकोरेशन करवा दी उन्होंने। अब इसको ये जो विरोध कर रहे हैं उनसे आप समर्थन करते हैं या नहीं करते? नहीं, हम नहीं करते उन लोगों का समर्थन बिल्कुल भी। कितने सेटिस्फाइड हैं आप इस कार्य को, ये स्थानांतरण हो रहा है बुद्ध प्रतिमा का, कितने संतुष्ट हैं आप? हम तो बहुत संतुष्ट हैं, बहुत। पूरा समाज संतुष्ट है? पूरा समाज, बच्चा बच्चा संतुष्ट है। डॉक्टर अंबेडकर सेवा समिति के अध्यक्ष मुकेश बौद्ध का कहना है कि समिति की लड़ाई गलत लोगों के साथ है। बाबा साहब और भगवान बुद्ध के नाम पर चंदा एकत्रित कर हजम करने वालों पर आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई कराई जाएगी। 7 इंडिया न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।